Mineral based industries, industries that use minerals and metals as raw materials are called mineral based industries. कहने का मतलब है उन उद्योगों में जिसमें खनिज को या मेटल को लेकर के रॉ मटेरियल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, कच्चे माल के रूप में, उसको हम लोग मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज कहते हैं. कैन यू नेम सम इंडस्ट्रीज दैट वुड फॉल इन दिस कैटेगरी? क्या तुम ऐसे इंडस्ट्रीज का नाम बता सकते हो जो इस कैटेगरी में आते हैं? तो पहला है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री. कौन सा इंडस्ट्री? आयरन एंड स्टील. द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज द बेसिक इंडस्ट्री सिंस ऑल द अदर इंडस्ट्रीज. इसी को हम लोगों ने पढ़ा था कि बेसिक कहते हैं क्योंकि बाकी सारे इंडस्ट्रीज भी इसी पर डिपेंड करते हैं. हैवी, मीडियम एंड लाइट डिपेंड ऑन इट फॉर देयर मशीनरी. ये क्वेश्चन हो सकता है बेटा, व्हाई द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज नोन एज द बेसिक इंडस्ट्री? तो दिस विल बी द आंसर दैट अदर इंडस्ट्रीज डिपेंड ऑन द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री. इट मे बी हैवी, मीडियम एंड लाइट depend on it for their machinery. Steel is needed to manufacture a variety of engineering goods, construction material, defense, medical, telephonic, scientific equipment and a variety of consumer goods. ठीक है, तरह तरह की चीजें ये बनाने के भी काम आता है और फिर तरह तरह की मशीनों को भी बनाता है जिससे कि कंज्यूमर गुड्स तैयार होते हैं. इसीलिए चूंकि बाकी इंडस्ट्रीज इसके ऊपर आधारित हैं, इसको इसीलिए बेसिक इंडस्ट्री भी कहा जाता है. Production and consumption of steel is often regarded as the index of a country's development. Iron and steel is a heavy industry because all the raw material as well as finished goods are heavy and bulky, entailing heavy transportation cost. Iron ore, cooking coal and limestone are required in the ratio of approximately 4:2:1. क्या कितना चाहिए? तो iron ore कितना चाहिए इसमें आयरन एंड स्टील बनाने के लिए? 4. और कुकिंग कोल ठीक 4 का आधा 2, और फिर लाइम स्टोन को 2 का आधा 1. तो ये उसका रेशियो है. इसकी मदद से हम आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को तैयार करते हैं और स्टील बनाते हैं आयरन से. सम क्वालिटीज ऑफ मैंगनीज आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू हार्डन द स्टील. कुछ मैंगनीज की भी जरूरत पड़ती है स्टील को कड़ा बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए. Where should the steel plant be ideally located? Question करो, इसको underline करो, ये question important है. Remember that the finished products also need an efficient transport network for their distribution to the market and consumers. यदि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि raw material हमारे लिए आवश्यक है तो उसका ढुलाई भी बहुत ज़्यादा, उसको जब transportation charge हम देखेंगे वो भी काफ़ी ज़्यादा लगेगा क्योंकि ये बहुत ही heavy और bulky है. तो एक जगह से दूसरे जगह तक यदि हम रॉ मटेरियल लाएंगे, फिर उसको प्रोड्यूस करेंगे, फिर उसको मार्केट में सेल करेंगे, तो हमें यही अपना टारगेट रखना होगा कि जहाँ पे रॉ मटेरियल भी आसानी से अवेलेबल हो जाए, पावर भी सप्लाई अच्छे से मिले, वाटर अवेलेबिलिटी रहे, फिर जो वर्कर्स हैं वो भी अच्छे से मिल जाए हमें वर्क के लिए, और मार्केट से भी दूरी जो है वो कम हो ताकि हमारी लागत अधिक रहे, तब मुनाफा होगा. तो ज़्यादातर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज वहीं लोकेट किए जाते हैं जहाँ पर ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं. इन 2010-11 विद 72.2 मिलियन टन्स ऑफ स्टील प्रोडक्शन इंडिया रैंक 4th. इंडिया का कितना रैंक था? 4th अमॉन्ग द वर्ल्ड क्रूड स्टील प्रोड्यूसर्स. इट इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पॉन्ज आयरन. स्पॉन्ज आयरन का मतलब ढलवा लोहा, एक लोहे जैसे, जिसको तुम लोग कहते हो कि मिट्टी ही कड़ा ही मटी ही, लोहे जैसे ही लगता है, उसमें भी जंग लग जाता है लेकिन उसको हम ऊपर से. मैम बुक में तो थर्ड रैंक दिया है. मेरे बुक में तो फोर्थ है, थर्ड दिया तो अच्छी बात है. वो ईयर अलग होगा जो हम लोगों, मेरे बुक में जो दिया गया नाइन्थ दिया है ना, तो उसमें प्रोपोर्शन अलग भी हो सकता है. तो जो बच्चा 10 कह रहा है, थर्ड मेरे बुक में थर्ड दिया है. थर्ड दिया तो ईयर कौन सा दिया है बेटा? ईयर के साथ जो भी लिखोगे वो सही है, ईयर लेकिन लिखना पड़ेगा. 2016 अपग्रेडेड है, एकदम अच्छी बात है. वो लेटेस्ट बुक है तुम्हारे पास 2016 वाली, जिसमें एक रैंक ये आगे हो गया है. पहले फोर्थ पर था, अब 16 में क्या हो गया है? थर्ड पे आ गया. अच्छी बात है. इट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पॉन्ज आयरन. अब और ऊपर आ गया होगा.
नहीं इतना जल्दी नहीं ऊपर आया होगा, पहले पढ़ लो जो टॉपिक है मैम, वो, उसके बाद एक ऊपर। टॉपिक बता दीजिए मैम, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट क्या होता है, इस बुक में दिया है औद्योगिक विकास, जहाँ उद्योगों का विकास किया जाता है, जैसे हम लोग बोल रहे मतलब हैं कि कि हम, और फैक्ट्री लगाई जाती हैं। हाँ फैक्ट्रीज लगाई जाएगी, यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को ज़्यादा डेवलप किया जाएगा, ताकि गुड्स जो है वो मैन्युफैक्चर करके बेचे जाए, तैयार करके बेचे जाए, उसको कच्चे माल के रूप में ना बेचा जाए। कच्चा माल यदि हम लोग बेचेंगे तो वो सस्ता पड़ेगा, हमें फ़ायदा कम होगा, और यदि वो मैन्युफैक्चर करके और प्रोड्यूस्ड गुड्स रहेंगे, फाइनल गुड्स में रहेंगे या कंज्यूमर गुड्स में कन्वर्ट करके बेचे जाएंगे तो उसमें मुनाफा होगा। तो इसके लिए जगह जगह पर इंडस्ट्रीज लगाई जा रही हैं। अब सरकार देखो, इंडस्ट्रीज लगाने के लिए सरकार के पास भी पैसा होना चाहिए, उतना पूंजी होगा तभी तो सरकार लगाएगी। तो सरकार देख रही कि भाई मेरे पास उतनी पूंजी नहीं, तो मेक इन इंडिया पॉलिसी अपना रही कि भाई विदेशों से ही आओ, इन्वेस्ट करो यहाँ, हम तुम्हें वो फैसिलिटीज देंगे जिससे तुम्हें ज़रूरत है, और इंडस्ट्रीज लगाओ। कम से कम इंडस्ट्रीज लगाएंगे, उनका टेक्निक होगा, उनका पैसा होगा, जगह हमारा रहेगा, मजदूर हमारे होंगे, तो कम से कम लोगों को एम्प्लॉयमेंट तो मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो जाएगा, फिर वो एरिया धीरे धीरे डेवलप हो जाएगा। हम लोग कहते हैं ना कि इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन गो हैंड इन हैंड, तो इंडस्ट्रीज लग जाएंगी तो वो एरिया खुद ब खुद डेवलप हो जाएगा, लोगों को रोजगार मिल जाएगा, तो उनके रहने के लिविंग स्टैंडर्ड, उनका सारा रहन सहन अच्छा हो जाएगा, लोगों का एजुकेशन भी अच्छा होगा, लोग देख करके भी बहुत कुछ सीखेंगे। तो इस वजह से जिन सरकारों के पास इतनी क्षमता नहीं रहती, चाहे जिस देश के पास, सरकार के पास क्या, सरकार के पास तो वही पैसा जाएगा जो हमारे टैक्स से कलेक्ट होते हैं, अब वो सरकार अपनी पॉलिसी के अकॉर्डिंग टू उसको कहाँ इन्वेस्ट करती है। तो हम लोगों के हम इंडस्ट्रीज बहुत कम ही रहे हैं, शुरू से इंडस्ट्रीज पर जो लागत लगाया गया है वो हमारी जितनी बड़ी आबादी है उसके अनुपात में काफ़ी कम है, पॉपुलेशन भी तो हमारे यहाँ इतना ज़्यादा है तो उस अनुपात में कम है। तो अब उतना पैसा चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, तुम लोग जानते हो कि इंडस्ट्रीज को बेस करने के लिए मेन थ्री चीज़ें ज़रूरी हैं, लेबर, लैंड, लेबर कैपिटल, और एंटरप्रेन्योर भी होना चाहिए, उसको लगाने वाला उद्यमी भी होना चाहिए। तो अब लैंड तो हमारे यहाँ है, लेबर भी मिल जाएंगे, लेकिन कैपिटल चाहिए, पैसा चाहिए, पूंजी। तो पूंजी यदि कोई एंटरप्रेन्योर बन के आता है, कोई उद्यमी आता है कि भाई हम पैसा दे रहे हैं आपको लगाइए, तब तो फिर लगाने में थोड़ी सुविधा होगी, लेकिन यदि पैसा भी हमारे पास से ही लगाना पड़ेगा तो अब गिने चुने ही इंडस्ट्रीज लग पाएंगे, क्योंकि उनको लगाने में काफ़ी लागत लगता है, और यदि पूंजी रहेगी तभी तो हम लेबर्स को भी पेमेंट करेंगे, और उसके साथ साथ टेक्निक्स भी चाहिए, एकदम अपडेटेड टेक्निक्स भी चाहिए, क्योंकि दुनिया में जैसे ग्लोबलाइजेशन को हम लोग देख रहे हैं, सारे दुनिया के तमाम देश बहुत ही ज़्यादा डेवलप हो गए और बहुत तेज़ी से वो भाग रहे हैं, तो उनमें हम पिछड़ जाएंगे, तो हमें उनके साथ कॉम्पिटिट करते हुए चलना, जब कॉम्पिटिट करेंगे तो हमारे पास टेक्नोलॉजी भी वैसी चाहिए, तो वैसे टेक्नोलॉजी के लिए हमें थोड़ा सा दूसरे कंट्री से मदद लेना पड़ता है। फॉर एग्जांपल जैसे तुम देखोगे टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, तो ये प्राइवेट कंपनी है लेकिन बहुत अच्छा मुनाफा कमाई, बहुत अच्छी कंपनी के रूप में, आज भी TCS जो है उसको हम लोग सब जानते हैं। TCS का मतलब जो कंप्यूटर में है तुम्हारा, सॉफ्टवेयर का है, TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, मतलब टाटा का भी बहुत कुछ अवेलेबल हो गया। तुम लोग देखते हो टाटा ब्रांड के बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हो गई हैं, पहले उसकी केवल स्टील कंपनी ही थी, अभी उसी के पास टेल्को भी हो गया है, टाटा लोकोमोटिव, उसी के पास ट्यूब कंपनी भी हो गया, मतलब कि एक इंडस्ट्री से उसको इतना अच्छा प्रॉफिट हुआ कि वो बहुत सारी इंडस्ट्रीज बना ली। हाँ, तो उसी तरीके से जैसे अब राउरकेला स्टील प्लांट है, तो राउरकेला स्टील प्लांट तो लगाया गया लेकिन हमारे पास उतनी अच्छी टेक्निक भी नहीं थी, पैसा भी नहीं था, तो हमने जर्मनी की मदद से राउरकेला स्टील प्लांट लगाया। वैसे ही दुर्गापुर स्टील प्लांट है, वो भी लगाया गया है, वो गवर्नमेंट ही है लेकिन उसको हमने ब्रिटेन की मदद से लगाया। वैसे ही बोकारो स्टील प्लांट है, तो इसको हमने रशिया के मदद से लगाया था। तो तमाम जो स्टील प्लांट्स हैं ये सबको हम लोग यदि सरकार लगा रही है तो सरकार के पास उतना पूंजी भी चाहिए, उतना टेक्निक भी चाहिए, तो ये सब चीज़ों को उसको कहीं ना कहीं किसी न किसी कंट्री से मिल करके लेना पड़ता है। तो पहले क्या होता था कि जो डेवलप्ड कंट्रीज थे तो वो सब अच्छा अच्छा टेक्निक रखते थे, अपना सपोर्ट देते थे, तो बहुत सारे जो डेवलपिंग कंट्रीज थे उनके सपोर्ट से ये सारी इंडस्ट्रीज को सेटअप करते थे। तो अब जब ग्लोबलाइजेशन का दौर आ गया है तो अब वो सारे कंट्रीज भी देख रहे हैं कि हमारे यहाँ तो ऑलरेडी हम लोग डेवलप हैं, अब हमें वो जगह चाहिए जहाँ कम ही दाम में हमारा काम हो जाए, क्योंकि उनके यहाँ तो सबका लेबर चार्ज ज़्यादा है, उनके लिए इन्वेस्टमेंट अधिक होगा, तो वो लोग इसलिए वैसे कंट्रीज के तलाश में घूम रहे हैं। अब जहाँ देखते हैं कि हाँ रॉ मटेरियल भी अवेलेबल है और यहाँ पर हमारे पास लेबर भी बहुत सस्ते में मिल जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था भी ठीक ठाक है, पावर भी ठीक रहेगी, तो वो
गवर्नमेंट से देखते हैं क्या क्या गवर्नमेंट का एग्रीमेंट है, उसके अकॉर्डिंग टू अपना इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए तैयार होते हैं। जो एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पे ये सारी सुविधाएं बहुत ही अच्छी रहती है, तो सरकार भी उनको इन्वेस्ट करने के लिए बहुत अच्छा उस एरिया को डेवलप करती है ताकि वो इन्वेस्टर्स आए और हमारे कंट्री में इन्वेस्ट करें। तुम लोग इसको ग्लोबलाइजेशन वाले लेसन में पढ़ोगे इकोनॉमिक्स में, उस एरिया को कहा जाता है SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में इतनी सारी सुविधाएं दे दी जाती है कि वो फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करते हैं और वो लोग आकर के अपना पैसा वहाँ इन्वेस्ट करते, पूंजी लगाते, इंडस्ट्रीज बनाते हैं। तो उसमें से भी सरकार के साथ एग्रीमेंट होता है कि पूरा फायदा वो अपने देश में नहीं ले जा सकते हैं, उसका कुछ ही अंश वो अपने देश में ले जाएंगे। तो यानी कि वो जो भी पैसा है अब उसको यहीं पे खर्च करना है कैसे भी करके, तो अब वो उसी पैसे की मदद से एक और इंडस्ट्री सेटअप कर लेते हैं। तो फिर एक और इंडस्ट्री यदि सेटअप कर लेते हैं, यदि उनको लोकेशन मिल जाता है तो फिर हमारे यहाँ के लोग उसमें एम्प्लॉयड हो जाएंगे। तो इस तरह के बहुत सारे कंडीशंस हैं, बहुत सारे सिचुएशंस हैं जिसको कि गवर्नमेंट भी देखती है, रीड करती है, फिर वो जो भी गवर्नमेंट आती है, तुम लोग जैसा पढ़े हो, ये तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, 5 साल के लिए इसका कार्यकाल है, फिर पता नहीं ये रहेगी या चली जाएगी। लेकिन जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव हैं, जो हमारे सिविल सर्वेंट्स हैं, वो सब तो बहुत अच्छे से पढ़े लिखे और उस सब्जेक्ट के ऊपर एकदम पूरा वेल रिसर्च करके बैठे हुए हैं। तो वो चूंकि परमानेंट एग्जीक्यूटिव है, वो फटाफट बदलते नहीं है, तो उनको पूरी चीजों की जानकारी रहती है, डीपली वो जानते हैं और मेनली क्या करना है सरकार को वही सजेस्ट करते हैं, जिनको हम लोग सचिव कहते हैं, सेक्रेटरीज कहते हैं। और इन सब की बैठक सेक्रेटेरिएट में होती है, जैसा कि तुम लोगों ने पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा है क्लास 9th में ही। तो ये सब सलाह से सब तय करते हैं कि भाई, लेकिन ये है कि अंतिम निर्णय जो है वो सरकार को लेना होता है, जिसकी भी गवर्नमेंट चलती है, यानी वो किस मद पर कितना इन्वेस्ट करना चाहती है। जैसा वो लोग अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो में वायदा करते हैं, जो उनका अपना आइडियोलॉजी होता है कि भाई हमको सेकेंडरी सेक्टर पर ज़्यादा ध्यान देना है, कि प्राइमरी पर देना है, एग्रीकल्चर पर देना है, कि एजुकेशन पर देना, वो उसके अकॉर्डिंग टू वहाँ इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है कि जब इंडस्ट्रीज पर अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा तो ज़्यादा लोग भी एम्प्लॉयड होंगे और उससे कंट्री का GDP ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, क्योंकि जो सेकेंडरी सेक्टर है वो प्राइमरी को भी बूस्ट करेगा, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री से उसमें भी मुनाफा होगा, और फिर टर्सरी को भी बूस्ट करेगा, क्योंकि जब सामान बनेंगे तो उसको बनाने के लिए रॉ मटेरियल्स भी लाना है फैक्ट्रीज इंडस्ट्री तक, फिर बने हुए चीज़ों को मार्केट तक भी ले जाना है, फिर उसको मेंटेन करने के लिए उसको बैंकिंग चाहिए, इंश्योरेंस चाहिए, फिर उसको स्टोर करने के लिए स्टोरेज हाउस वगैरह चाहिए, स्टोर हाउस या कोल्ड स्टोरेज जो भी कहो, डिफरेंट टाइप की चीज़ें चाहिए, तो उसमें भी लोग एम्प्लॉयड होंगे और इस तरीके से लोगों का एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा और कंट्री का व्यवस्था जो है वो सुधर जाएगा। तो अब सरकार यदि इंडस्ट्री सेटअप करती है तो भाई कहाँ से इतना पैसे लाए, लोकेशन तो ढूंढती है। तुम लोग पढ़े हो सर्वेइंग मैपिंग रिसोर्स वाले में पढ़े हो ना तुम लोग फर्स्ट लेसन में ही, कि जहाँ भी रिसोर्स होता है उसको जांचती है, परखती है, लोग जाते हैं सर्वे करते, जियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट वाले देखते कि हाँ भाई यहाँ पे तो ये रिसोर्स जो है अवेलेबल है, लेकिन हाँ उसको फिर अब टैली करवाती है कि कितना इसमें खर्चा लग जाएगा, कितना परसेंट इसमें और है, यदि हम लोग यहाँ पे माइन सेटअप कर लेंगे तो इसमें से हम कितना सारा एक्सट्रैक्ट कर सकेंगे और उसमें से जो एक्सट्रैक्शन कॉस्ट होगा वो कितना पड़ेगा, और यदि एक्सट्रैक्शन कॉस्ट हमारा ज़्यादा पड़ रहा है, इनकम कम हो रही है, तो हम एक्सट्रैक्ट नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। लेकिन यदि हमारा एक्सट्रैक्शन कॉस्ट कम पड़ रहा है और इनकम ज़्यादा हो रहा है, तो वो वहाँ पे माइन सेटअप करना चाहती है, फिर उसको गवर्नमेंटल प्लान से मैच करवाया जाता है कि सरकार के प्लान के तहत क्या है, कितना पैसा वो इन्वेस्ट करने के लिए रखी है, यदि उस साल नहीं हो पाता तो फिर उसको नेक्स्ट बजट के लिए रख देते हैं। तो ये सब सरकार की व्यवस्थाएं हैं, गवर्नमेंट क्या चाहती है, कैसे डेवलप कराना चाहती है और किस तरीके से इंडस्ट्रीज पर वो इन्वेस्ट कर रही है। तो जब जो भी इंडस्ट्रीज है जो मिनरल पर बेस्ड है, तो उसके लिए तो मिनरल है ही, तो भाई रॉ मटेरियल के लिए उसको मिनरल चाहिए, तो उसी के बेस पर तुम्हें यहाँ पर एक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील का फ्लो चार्ट दिया गया कि जब मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील होगा, जैसे यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि आयरन एंड स्टील कंपनी जो भी फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, उनको कहाँ हम लोकेट करेंगे, तो यहाँ फ्लो चार्ट के तहत यदि तुम लोग देखोगे तो तुम्हें ये क्लियर हो जाएगा। और फिर यहाँ पे एक चीज भी दी गई है, अब तुम्हारे जैसे तुम लोग बोल दिए कि डाटा हमारा डिफरेंट है, तो अब ये भी फिर पढ़ेंगे तो फिर ये डाटा भी डिफरेंट होगा। अब तुम लोग अपने बुक से टैली करो कि तुम्हारे बुक में क्या डाटा दिया गया है, ठीक है। जैसे ये लाइन दिया गया है कि इट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पॉन्ज आयरन, ये तो ठीक है, ओके, इन 2010-11। अब तुम्हारे बुक में वो फिर 16-17 होगा, 15-16 है, 16-17 है, जिसका जो भी है अब उसके अकॉर्डिंग टू उसको टैली करना। इन 2010-11 पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ स्टील इन आवर कंट्री वॉज ओनली अराउंड
49 kg पर एनम। ये बहुत ही खराब चीज है, इतना कम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, यानी कि लोगों के पास पैसा नहीं है तभी तो वो स्ट्रीट पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। और दुनिया में कितना है एवरेज, कम से कम 182 kg। सोचो हमारे देश में कितना, केवल 49, 50 केजी भी नहीं है। अच्छा जो लेटेस्ट वाला है उसमें क्या दिया है बेटा तुम लोगों के बुक में, जो लेटेस्ट वाला है 63 kg पर एनम, 63 यानी कि बढ़ा है, पहले मान लो 49 था, अभी 63 14 केजी बढ़ गया, तो अच्छी बात है। वर्ल्ड एवरेज ऑफ 208 kg, बताओ तो तू 200 प्लस में हो गया। उस हिसाब से हम लोगों का बहुत कम कंजम्पशन है, इसी वजह से हम लोग डेवलपिंग में है, डेवलप कंट्री के रूप में नहीं है। तो ये दिया जा रहा है कि जिस कंट्री में आयरन का जितना ज्यादा खपत होता है, यानी देश की जनता जितना ज्यादा आयरन को कंज्यूम करेगी, ये मान लिया जाता है कि वो कंट्री उतना ही डेवलप है, क्योंकि जिसके पास पैसा होगा वही कार खरीदेगी, मोटर खरीदेगी, छड़ सीमेंट बिल्डिंग के मटेरियल्स में लोहों का इस्तेमाल करेगी, और फिर इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज चलाएगी, रेलवे लाइंस बिछाएगी, उतने सारे आयरन के खपत होंगे। तो वही दिया गया कि हमारे देश में बहुत कम है। यदि हम पूरे दुनिया का भी एवरेज मिला लेते हैं कि पूरे दुनिया में जो आयरन एंड स्टील का खपत है पर एनम कितना होता है, तो उसका यदि एवरेज एक निकाला जाता है प्रोपोर्शन, तो वो भी तुम्हारे बुक के अकॉर्डिंग टू 200, मेरे बुक के अकॉर्डिंग टू 182, वो भी इतना हाई है, और हमारा कंट्री जो है वो उसका कितना छोटा सा अंश है, सोच लो। तो इस वजह से हमें भी जरूरत है कि हम भी आयरन और स्टील का प्रोडक्शन उस तरह से करें और कंजम्पशन भी वैसा करें। कंजम्पशन करेंगे तभी हम भी डेवलप कंट्री के रूप में गिने चुने जाएंगे और उनके कैटेगरी में आकर के शामिल हो सकते हैं। तो अब यहाँ पे दिया गया प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग स्टील कैसे बनाया जाता है, फ्लो चार्ट में दिया गया है, इसको ध्यान से देखो। सबसे पहले दिया गया ट्रांसपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल टू प्लांट, कच्चा माल जो है उसको प्लांट तक ले जाया जाता है। प्लांट मीन्स जहां पर ये मैन्युफैक्चरिंग करना है, बनाना है, ठीक है, जहां पे ये प्रोसेसिंग का वर्क होगा। माइंस से, माइंस में निकल गया रॉ मटेरियल, अब वो माइंस अलग जगह पर है, जहां पर फील्ड होगा, कोल फील्ड होगा, आयरन फील्ड होगा, वहीं पर वो रॉ मटेरियल के रूप में निकलेगा, आयरन ओर या कोल निकलेगा, तो वो तो फील्ड से निकला, लेकिन उसको हम कहां ले जाएंगे, उसको हम ले जाएंगे प्लांट तक। प्लांट तक ले जाएंगे तब जाकर के जो भी प्रोसेस में होने वाला है प्रोसेसिंग वहां होगी। अब ये कहां जाएगा प्लांट में, तो प्लांट में क्या होंगे, ब्लास्ट फर्नेसेस, बहुत बड़े बड़े भट्टी रहते हैं जहां पर लोहा को पिघलाया जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है, आयरन ओर इज मेल्टेड, आयरन का जो कच्चा माल है वो अब पिघलाया जाता है इसी में। उसमें क्या डाला जाता है, लाइमस्टोन इज फ्लक्सिंग मटेरियल विच इज एडेड, स्लैग इज रिमूव्ड, कोक इज बर्न टू हीट द आयरन। तीन चीजें इसमें जरूरत पड़ गई, एक आयरन ओर है, दूसरा लाइमस्टोन है, और तीसरा है कोक, कोयला, कोयला को जला करके और इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद फिर जब मान लो ये पिघल गया, ब्लास्ट फर्नेसेस में डाला गया, पिघल गया, तो क्या होता है कि इसमें फ्लक्सिंग मटेरियल के रूप में इसमें क्या डाल दिया गया, लाइमस्टोन। अब उस लाइमस्टोन के डालने से क्या है कि जो इसमें का बेकार चीज है, इम्प्योरिटीज है, वो सारा नीचे बैठ जाएगा सतह पर। अब ये सब ब्लास्ट फर्नेसेस तुम लोग क्लास 8 में पढ़े होगे, उसमें वो ब्लास्ट फर्नेसेस की पिक्चर्स भी दिए गए या साइड बुक्स में किसी किसी में है। उसमें क्या होता है कि उसमें से एक नॉब लगा हुआ होता है, वहां से जो भी बेकार चीजें हैं, इम्प्योरिटीज है, उसको फिर वहां से रिमूव कर लिया जाता है ऊपर का नॉब बंद करके, तो जो इम्प्योरिटीज है वो बाहर निकल जाती हैं और जो उसमें रिमेनिंग मटेरियल है वो रह जाता है। उसी में यदि हमें एलॉय के रूप में मैंगनीज डालना है या कुछ और चीज डालना, निकल डालना, उसको हम डालते हैं उस तरीके से ड्यूरेबिलिटी उसको बढ़ाने के लिए, या उसको लाइट बनाने के लिए एल्यूमिनियम वगैरह भी ऐड किया जाता है। तो जब हम उसकी इम्प्योरिटीज निकाल लेते हैं, फिर उससे जब हम आयरन बनाते हैं तो वही स्पॉन्ज आयरन बनता है। तो इंडिया स्पॉन्ज आयरन के प्रोडक्शन में वर्ल्ड में नंबर वन है, जो ढलवा लोहा, खराब क्वालिटी का लोहा होता है उसके लिए। लेकिन जो फाइन क्वालिटी ऑफ आयरन एंड स्टील बनता है उसमें हमारा कंट्री इस बुक के डाटा के अकॉर्डिंग टू 4th और तुम्हारे बुक लेटेस्ट बुक के डाटा के अकॉर्डिंग टू 3rd पोजीशन पर है। उसके बाद क्या किया जाता है, जो उसमें का अच्छा क्वालिटी बच गया उसको फिर पिग आयरन में उड़ेला जाता है, उसको उड़ेल दिया जाता है दूसरे बर्तन में जो अच्छा वाला आयरन था। मोल्टन मटेरियल पोर्ड इनटू माउल्ड्स, अलग बर्तन में उसको डाल दिया जाता है, जिसको कि पिग्स कहा जाता है, पिग आयरन। फिर वहां से स्टील बनने का काम शुरू होता है। अभी तो खाली पिघलाने का काम हुआ, ब्लास्ट फर्नेसेस में वो पिघला और उसकी इम्प्यूरिटीज को छांट करके अच्छा लोहा को एक जगह कर दिया गया, जिसको पिग आयरन में डाल दिया गया। अब स्टील कैसे बनता है, पिग आयरन इज फर्दर प्यूरिफाइड बाय मेल्टिंग, फिर से उसको पिघलाया जाता है।
एंड ऑक्सीडाइजिंग द इम्प्यूरिटीज, मैंगनीज, निकल, क्रोमियम आर एडेड. ये सारी चीजों को उसमें फिर मिला दिया जाता है, फिर उसको शेप दिया जाता है. उस लोहे को हम किस शेप में डालना चाहते हैं, तो पिघला हुआ है वो, जैसे कि पिघला हुआ कोई चीज होता है, जैसे एग्जाम्पल के रूप में गुड़ को ले लो. जैसे गुड़ है, जब गुड़ को हम क्रशिंग करते हैं सुगर केन को, तो वो पिघला हुआ रस रहता है, और रस को फिर हम भट्टी पे जलाते हैं, आग पे जलाते जाते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है, वो सॉलिडिफाई होते जाता है. जब वो सॉलिडिफाई होता है तो फिर वो गाढ़ा हो जाता है, राब बन जाता है, महिया बन जाता है. जिसके आसपास में ये सारी मैन्युफैक्चरिंग होती होगी वो देखते होंगे. उसके बाद उसका एक कंडीशन ऐसा होता है कि उसके बाद उसको हम हीट देना बंद कर देते हैं और उसको ठंडा कर देते हैं. जब वो ठंडा होता है तो जिस शेप में उसको हम डालते हैं वैसा ढल जाता है, या उसको हम गुड़ का गोली बना करके भेली जैसा कर देते हैं, या यदि उसको प्लेन ही रह करके उसको काट देंगे या तोड़ देंगे तो वो चट्टान जैसा हो जाएगा, या उसको हम जिस शेप में डाल करके रखेंगे वो उसी शेप में होकर के निकलेगा. तो उसी तरीके से दिया गया है कि फिर उसको शेप दिया जाता है, रोलिंग, रोल किया जाता है यदि गोल गोल बनाना है तो, प्रेसिंग, उसको दबा करके चपटा किया जाता है, प्रेसिंग करके दबा करके क्या किया जाता है, चादर के रूप में तैयार किया जाता है, जिससे अलमारी वगैरह बनते हैं, जो चादरों का इस्तेमाल करके अलग अलग चीजों को बनाया जाता है. और फिर कास्टिंग एंड फॉर्गिंग, फिर उसको जोड़ा जाता है या उसको मोड़ा जाता है. ये सारी प्रक्रियाएं उसमें चलती है, जैसा जैसा उसको शेप डालना है फिर उसको शेप करने का काम चलता है. तो शेप लास्ट में दिया जाता है, उसके पहले भी उसके बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं जिसको हम लोगों ने यहाँ इस फ्लो चार्ट के रूप में देखा. हाँ, कोई बच्चा कुछ पूछ रहा था, बोलो बेटा. व्हाट डू यू वांट टू आस्क? रविशंकर, कुछ पूछना चाहते हो क्या? नो मैम. नहीं, ओके. लगा कि कोई कुछ पूछा. अच्छा, नहीं ध्यान दिया कौन क्या बोला. ठीक है, कोई बात नहीं, आगे चलो. नई बुक के रिकॉर्ड के हिसाब से इंडिया सेकंड में हो गया है क्रूड स्टील प्रोड्यूसर में. क्रूड 2018 स्पॉन्ज. यस स्पॉन्ज. क्रूड स्टील प्रोड्यूसर में. अच्छा चलो, अब यहाँ पे देखो पेज नंबर 73 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको याद कर लेना. व्हाट डू यू मीन बाय मिनी स्टील प्लांट? एक मिनी स्टील प्लांट है यानी कि छोटे वाले, और एक इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट है यानी कि बड़े वाले. बड़े स्तर पर भी एक प्लांट है, एक छोटे स्तर पर भी प्लांट है, स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल. अब ये देखो कि ये है क्या, मिनी स्टील प्लांट क्या है. तो मिनी स्टील प्लांट्स आर स्मॉलर, हैव इलेक्ट्रिक फर्नेसेस, यहाँ पर बिजली के फर्नेसेस रहते हैं. जैसे वहां हम लोगों ने देखा कि कोल को यूज किया जाता है पिघलाने के लिए, यहाँ किस चीज का इस्तेमाल किया जा रहा है, इलेक्ट्रिक को पावर के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है. यूज स्टील स्क्रैप एंड स्पॉन्ज आयरन, जो कतरन जैसे है, मान लोहा काटा छाटा गया, दूसरे दूसरे शेप में डाला गया, उसके इर्द गिर्द का जो भी बचा हुआ पार्ट है, जो स्क्रैप आयरन है उसको ये यूज कर लेते हैं, और स्पॉन्ज आयरन को, जो ढलवा लोहा है उसको भी यूज कर ले, जो लो क्वालिटी ऑफ आयरन है. दे हैव री रोलर्स, फिर उसको री रोल करके, उनके पास री रोलर्स रहते हैं जिसको फिर से पुनः शेप दे करके वो तैयार करते हैं. दैट यूज स्टील इन गॉड्स एज वेल, दे प्रोड्यूस माइल्ड एंड एलॉय स्टील ऑफ गिवन स्पेसिफिकेशन. ये थोड़ा सा माइल्ड, मैंने थोड़ा सा बहुत अच्छे वेराइटी का नहीं, थोड़ा सा कम ही वेराइटी का बनाते हैं, एलॉय टाइप का मिला जुला हुआ. जैसे स्टील के ही बर्तन में तुम लोग देखते हो, किसी किसी स्टील के बर्तन में क्या होता है, जंग लग जाता है, रस लग जाता है, और कोई कोई स्टील का बर्तन कितना भी पुराना हो जाता है उसमें रस नहीं रहता, वो रस्ट प्रूफ हो जाता है. यानी कि इसमें जो है दूसरे क्वालिटी में क्या है, उसमें जो स्टील बना है उसमें जरूर कुछ एलॉय मिलाया गया है, या उसको बहुत ही अच्छा से प्यूरिफाई नहीं किया गया है, उसको बहुत अच्छे से तैयार नहीं किया गया, जिसके वजह से वो माइल्ड स्टील है, बहुत फाइन वेराइटी का नहीं. वो सारे बर्तन जल्दी फट जाते हैं, खराब हो जाते हैं, उसमें जंग लग जाता है, माइल्ड स्टील है तो वो सस्ते मिलते हैं. तो वही चीज यहाँ पे दिया गया है कि माइल्ड स्टील जो है वो मिनी स्टील प्लांट में तैयार किया जाता है. और इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट क्या है, तो यहाँ पे इसको भी देख लो, दोनों को डिफरेंशिएट बिटवीन भी पढ़ लेना. मैम. हाँ बेटा बोलो. मैम स्टील इनगॉट क्या है? इनगॉट जिसके अंदर वो लोग डालते हैं स्टील, बोले ना ब्लास्ट फर्नेसेस है, तो उसी तरीके से वो सब भी माउल्ड रखे हुए रहते हैं जिसके अंतर्गत वो लोग डालते हैं, जिसमें वो मेल्ट हो जाता है, मेल्ट होकर के फिर उसको दूसरा शेप में दिया जाता है. इनवॉट्स होता है जिसके अंतर्गत वो उसको ग्रहण कर लेता है, जिसमें वो पिघल करके फिर उसको नए शेप में ढाला जाता है. अब इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट क्या है, तो ये बहुत ही बड़े हैं, वास्ट लेवल के हैं, और इसमें कई तरह के काम होते हैं. तो वही चीज यहाँ पे भी है
An integrated steel plant is large, handles everything in one complex form, putting together raw material to steel making, rolling and shaping. क्या क्या इसमें होता है? रॉ मटेरियल भी होता है स्टील मेकिंग करने वाला, और रोलिंग भी होता है और शेपिंग भी होता है, और सारी चीज़ों को हैंडल कर लेता है एक ही जगह पर. एवरीथिंग इन वन कम्प्लेक्स, एक ही कम्प्लेक्स में सारी चीज़ें होती हैं और वहाँ सभी चीज़ों को यूज़ करके बहुत अच्छे से तैयार कर लिया जाता है. मोस्ट ऑफ द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स मार्केट देयर स्टील थ्रू स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, SAIL जिसको कहते हैं. ये क्या है? सरकार का उद्यम है जिसको हम लोग सेल कहते हैं, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड. ये सरकारी उद्यम है, पब्लिक सेक्टर में है और ये इंडस्ट्री पब्लिक है. इन द 1950s, तुम्हारे पास फिर यहाँ पर उसका डाटा अलग होगा. चाइना एंड इंडिया प्रोड्यूस्ड ऑलमोस्ट द सेम क्वान्टिटी ऑफ स्टील. टूडे चाइना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील. चाइना इज ऑल्सो द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ स्टील. इन 2004 India was the largest exporter of steel, which accounted for 2.25% of the global steel trade. Chota Nagpur Plateau region has the maximum concentration of iron and steel industries. Dekho, underline kar lena isko. Kyon? Why? Ye bhi question poochta hai. Ki Chota Nagpur Plateau region has the maximum concentration of iron and steel industry. Why? Chahe give the reason. To yahan pe answer bhi hai. It is largely because of the relative advantages this region has for the development of this industry. What are the advantages? You have to underline here and mark all these lines which are important. These include low cost of iron ore, second, high grade raw materials in proximity, cheap labor, and vast growth potential in the home market. Though India is an important iron and steel producing country in the world, yet we are not able to perform to our full potential, largely due to these are the drawbacks of our what iron and steel industries. Ye kamiyan hai jiske wajah se we are not getting that target which we have to achieve. Kya hai? High cost and limited availability of cooking coal. Bahut zyada dam hai aur bahut kam hi hai. Second, low productivity of labor. Mazdoor bhi bahut dheeme dheeme kaam karte hain aur sarkari udyam hai to kaho mat. इतना आराम से वो काम करते हैं कि प्रोडक्शन धीरे होगा, इसीलिए सरकार धीरे धीरे क्या करे, सारी चीजों को प्राइवेटाइज कर रही है. अब प्राइवेट सेक्टर्स में कम मजदूर भी ज्यादा प्रोडक्शन कर देते हैं, सरकारी में ज्यादा मजदूर रह करके भी कम प्रोडक्शन करते हैं, क्योंकि बहुत स्लो और बहुत ही अपनी इफिशियंसी का सही तरीके से उपयोग वो नहीं करते. इरेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी, कभी लाइट रहती है कभी नहीं रहती है, कभी एनर्जी मिला कभी नहीं मिला. एंड पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं रहेगा, रेलवे या ट्रांसपोर्ट अच्छे नहीं रहेंगे तो रॉ मटेरियल आसानी से एक जगह से दूसरे जगह तक नहीं पहुंच पाएंगे, तो इसमें भी डीले होगा और प्रोडक्शन में भी बाधा आएगी. वी ऑल्सो इम्पोर्ट गुड क्वालिटी स्टील. ये देखो बहुत फिर वही टेक्सटाइल वाला जैसा ये भी पॉइंट है. वी ऑल्सो इम्पोर्ट गुड क्वालिटी स्टील फ्रॉम अदर कंट्रीज. हाउएवर द ओवरऑल प्रोडक्शन ऑफ स्टील इज सफिशियंट टू मेक आवर डोमेस्टिक डिमांड. Liberalization and foreign direct investment FDI jisko aksar tum log sunte ho have given a boost to the industry with the efforts of private entrepreneurs. There is a need to allocate resources for research and development to produce steel more competitively. Kaha ja raha hai ki liberalization aur foreign investment ke hone se jaise videshi companies aane lagi hai ya सरकार की पॉलिसी इतनी लिबरल हो गई है कि वो सबको निमंत्रण दे रही है कि भाई आइए यदि आपको आना है तो इंडिया में,